हरदोई पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। स्वाट टीम व थाना मंजिला द्वारा एक आयशा ट्रैक्टर में 70 किलो गांजा व 2 अदद मोटरसाइकिल तथा 70,000 रुपए नगद के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई एसपी विपिन कुमार मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में नक्षत्र सेन उर्फ छोटू बनिया सुरेश कजड़, अभिषेक कजड़ व गोविंद कजड़ तथा शिवा कजड़ के पास बरामद 68 किलो गांजा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। तो अगर इसे बरामद हुई और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये आपके सामने एक आयशा पेंटर गाड़ी जिसका नंबर है RJ42GA1319 ये पकड़ी गई है और इसके छत के ऊपरी भाग में पूरा एक लंबा सा पैनल बनाकर जिसको अलग से एक बॉक्स बना का रूप दिया गया था उसमें गांजे अंदर से भर दिया जाता था, गांजे के पैकेट अंदर से भर दिए जाते थे और छद्म रूप देने के लिए ट्रांसफ़र का सामान जिसमें बेड और कूलर फ्रिज टीवी इत्यादि जो है रखकर और ये कंसाइनमेंट के रूप में चलता था कि विशाखापट्टनम दिल्ली या और जगहों पर जो है हम ट्रांसफ़र का सामान लेकर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और छोटू बनिया नाम का आदमी है जो ये कंसाइनमेंट लेकर जा रहा था। यहाँ जनपद हरदोई में या 3-4 लोगों को ये सामान देने के लिए बुलाया था, एक सुरेश कंजड़, अभिषेक कंजड़, गोविंद कंजड़ और शिवा कंजड़, ये इससे सामान की सप्लाई लेने के लिए आए हुए थे जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लगभग 67 किलो गांजा बरामद हुआ है, साथ में ये मोटरसाइकिल और 70,000 रुपये नकद बरामद। कब से चल रहा था इनका सिलसिला और कैसे पुलिस ने पकड़ा? क्या कीमत की लगभग कीमत क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ये 4 से 5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। बहुत ही फाइन क्वालिटी का गांजा है, इसकी काफ़ी मांग भी है और ये लोग बता रहे हैं कि लगभग दसियों साल से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसमें नक्षत्र सेन गुप्ता जो छोटू बनिया पकड़ा गया है उसके 7 मुकदमे भी पूर्व से पंजीकृत हैं जिसमें 302 और लूट के 20 मुकदमे इसके विरुद्ध जो है कोतवाली देहात से पंजीकृत हैं। कहाँ से ये गांजा लाते थे और कहाँ? ये बता रहे हैं कि विशाखापट्टनम में नक्सल क्षेत्रों से जो है कुछ गाँव से ये कलेक्ट करते थे और वहीं से सप्लाई लेकर आकर दिल्ली में इसको बेचते थे। हरदोई में इसकी सप्लाई जो है बिलग्राम और जनपदी दूसरा जो सटा जनपद है कन्नौज वहाँ सप्लाई करना बताया।